आज हम दो साइकोलॉजिकल टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है DAP एंड HFD। DAP इज ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट एंड HFD इज ह्यूमन फिगर ड्राइंग। DAP एंड HFD साइकोलॉजिकल टेस्ट इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों में क्लाइंट को ह्यूमन फिगर ड्रॉ करनी होती है और फिर साइकोलॉजिस्ट उसको देखकर क्लाइंट के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या इमोशंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल ओवरव्यू से। एज वी नो कि बच्चों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम इन टेस्ट के थ्रू उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। बच्चों को ड्राइंग और पेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो अक्सर एनिमल्स, हाउसेस, कार्स एंड फ्लावर्स बनाते हैं, लेकिन वो मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स की फिगर ड्रॉ करते हैं। 1885 में इबेंजर कुक ने अपने आर्टिकल के अंदर ड्राइंग की कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टडी की थी, जिसमें बच्चों का ड्राइंग में इंटरेस्ट चेक किया गया। इस स्टडी के बाद फोकस चेंज हो गया था, जिसमें बच्चों और सिंपल पीपल्स की ड्राइंग में कंपैरेटिव एनालिसिस के बजाय क्लिनिकल एनालिसिस किया जाता था, जिसमें उनकी डिस्टरबेंस का पता चलता था। यानी अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की जाती थी और ड्राइंग के थ्रू मेंटल मेच्योरिटी चेक की जाती थी। फर्दर मोर जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी उसमें बच्चों का फ्री आर्ट एक्सप्लोर किया गया था, लाइक फिंगर पेंटिंग्स, क्रेयॉन्स, चॉक ड्राइंग्स एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे उन साइकोलॉजिस्ट को जिन्होंने इस टेस्ट को प्रमोट किया। सबसे पहले आते हैं गुडिनो, जिन्होंने ड्रॉ अ मैन या ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट को प्रमोट किया। ये टेस्ट बेस कर रहा था कुछ एलिमेंट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस को। जब भी हम कोई ह्यूमन फिगर बनाते हैं उसमें हम फीचर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी मेंटल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। गुडिनो ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो कुछ इस तरह से थी, मेक अ पिक्चर ऑफ अ मैन, मेक द वेरी बेस्ट पिक्चर यू कैन। गुडिनो का ये टेस्ट 1926 से 1963 तक ऐसे ही यूज़ होता रहा है विदाउट एनी चेंज, वेयर एज 1949 में ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। एंड देन कम्स डीबी हारिस, उन्होंने गुडिनो के टेस्ट को एक्सटेंड किया था और उसको रिवाइज किया था। इसीलिए 1963 में एक टेस्ट पब्लिश हुआ जिसे गुडिनो हारिस ड्राइंग टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में चेंजेस ये थी कि इसमें एक मैन की पिक्चर ड्रॉ तो करनी होती है, लेकिन इसके अलावा एक वुमेन की पिक्चर ड्रॉ करनी होती है और एक सेल्फ पिक्चर भी ड्रॉ करनी होती है। हैंस गुडिनो एंड डीबी हारिस प्रोमोट DAP विच इज़ ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इन 1947 मैकोवर वॉज द फर्स्ट क्लिनिशियन जिन्होंने HFD यानी ह्यूमन फिगर ड्राइंग को इंट्रोड्यूस करवाया एज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। 1949 में मैकोवर ने एक बुक दी जिसका नाम था पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन इन ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमन फिगर। मैकोवर एक्सटेंडेड फाइंडिंग्स टू चिल्ड्रन बेस्ड ऑन साइको एनालिटिकल थ्योरी। देन कम्स कॉपिट्स। कॉपिट्स ने 1968 में HFD को एज अ डेवलपमेंटल टेस्ट और एज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ किया था फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 5 ईयर्स टू 12 ईयर्स। HFD में इमोशनल साइंस और सिंबल्स को इंटरप्रेट किया जाता है फॉर पर्सनैलिटी डायनामिक्स। कॉपिट्स ने अपने काम में हैरी स्टैक सुलिवान्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की थ्योरी को यूज़ किया। कॉपिट्स ने HFD में बॉडी इमेज हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू कॉपिट्स, HFD बच्चे की करंट स्टेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट और उसका एटीट्यूड और उसके कंसर्न्स को शो करता है, जो कि मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बाद चेंज हो सकते हैं। DAP IQ ड्रॉ अ पर्सन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टेस्ट, जिसके ऑथर्स हैं सेसिल आर रेनॉल्ड्स एंड जूलिया ए हिकमैन। एज लिमिट फॉर दिस टेस्ट इज 4 ईयर्स थ्रू 89 ईयर्स 11 मंथ्स। Time limit for this test is 10 to 12 minutes. The following instructions are given. On this paper, I want you to draw yourself. Be sure to draw your whole body, not just your head, and draw how you look from the front, not from the side. Do not draw a cartoon or stick figure. Draw the very best picture of yourself that you can. Take your time and work carefully. Go ahead. There are two major approaches to HFD interpretation. Number first is as a developmental test and the second is as a projective test. Mostly clinicians HFD test use karte hain to analyze strengths for signs of unconscious needs, conflicts and personality traits. HFD ko hum developmental test isliye bhi kehte hain kyunki HFD mein psychologist mental maturity aur level of intelligence ko bhi check karte hain. वैसे तो साइकोलॉजिस्ट एक ही अप्रोच पर फोकस करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉपिट्स,
HFT को हम एज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट और एज ए डेवलपमेंटल टेस्ट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। HFT की फर्स्ट अप्रोच डेवलपमेंटल अप्रोच है। डेवलपमेंटल अप्रोच के पायनियर गुडेनॉव हैं। उन्होंने डेवलपमेंटल अप्रोच अपनी बुक मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ड्रैंक्स के थ्रू दी थी। गुडेनॉव का ड्रॉ अ मैन टेस्ट वाइडली एक्सेप्टेड और वैलिडेटेड है, बट लेटर आफ्टर 35 ईयर्स हारिस ने ड्रॉ अ मैन टेस्ट को रिवाइज किया। अकॉर्डिंग टू हारिस, ड्रॉ अ मैन टेस्ट मेंटल मेच्योरिटी को मेजर करता है। HFT के थ्रू हम मेंटल एज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गुडेनॉव हारिस स्कोरिंग मेथड। द सेकेंड अप्रोच इज प्रोजेक्टिव अप्रोच। फॉर मोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ HFT एज अ प्रोएक्टिव टूल वॉज मेकओवर 1949, 1953, 1960, लेवी 1958, हैमर 1958 एंड जॉल्स 1952। मेकओवर की बुक पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन इन द ड्राइंग ऑफ ह्यूमन फिगर एक वाइडली कोटेड बुक थी। मेकओवर की ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट स्टडी मेल एडोलसेंस और एडल्ट की क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर बेस करती है। मेकओवर्स की थ्योरी कोई भी स्कोरिंग सिस्टम या कोई भी रिसर्च मेथड प्रोवाइड नहीं करती। थ्योरी बिहाइंड ड्राइंग अ ह्यूमन फिगर। ह्यूमन ड्राइंग में प्रोजेक्टिव एनालिटिकल थ्योरी यूज हुई है। प्रोजेक्टिव एनालिटिकल थ्योरी कहती है कि जब भी कोई ह्यूमन फिगर ड्रॉ करता है तो उसमें उसकी अनकॉन्शियस फीलिंग्स और मोटिव्स एक्सेस की जा सकती है। ड्राइंग टेस्ट लाइक HFD टेस्ट एंड HTP टेस्ट ये प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं जो कि साइकोलॉजिकल स्टेट को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। यानी हम एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करके सेल्फ एक्सप्रेशंस जान सकते हैं। ड्राइंग टेस्ट टारगेट करते हैं साइकिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन को। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, ड्राइंग टेस्ट इफेक्टिव होते हैं इन एक्सेसिंग न्यूरोलॉजिकल इंटैक्टनेस, विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग डिसएबिलिटीज। ये टेस्ट न्यूरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है अबाउट द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एप्रेक्सिया, बिकॉज दे रिक्वायर स्किल्स एंड विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ द विजुअल स्टिमुलस लैंडर्स मोटर फंक्शंस। सो व्हाट इज एप्रेक्सिया? एप्रेक्सिया एक मोटर डिसऑर्डर है जो ब्रेन में कोई भी डैमेज हो उसकी वजह से होता है। खासतौर पे जब पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स में कोई डैमेज आ जाए तो उसकी वजह से एप्रेक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ड्यूरिंग एप्रेक्सिया पर्सन को मोटर प्लानिंग में, टास्क परफॉर्म करने में और मूवमेंट्स में डिफ़िकल्टी होती है। रीज़न ये नहीं होता कि उसको किसी की रिक्वेस्ट या कमांड समझ नहीं आई, उसको समझ आ जाती है और वो करना भी चाहता है लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाता। Then comes dilemma. Dilemma is a difficult choice in situation between two or more alternatives. For example, जो लोग HFD टेस्ट को as a projective test investigate करते हैं वो लोग developmental aspect को minimize करते हैं। Whereas, जो लोग developmental investigators हैं वो लोग projective aspect को minimize करते हैं। हारिस और मेकओवर दोनों ने काफ़ी सारे एटम्स ऐसे बताए जो कि सेम थे और डेवलपमेंटल और प्रोजेक्टिव एस्पेक्ट दोनों को इंडिकेट कर रहे थे। ऑनली कॉपिट मेंटेन्स HFD प्रोजेक्टिव टेस्ट भी है और डेवलपमेंटल टेस्ट भी है। फॉर एग्जांपल, जब एक पर्सन को या एक 9 साल के बच्चे को कहा जाता है कि आप ह्यूमन फिगर ड्रॉ करें तो वो उसमें उसके हेड, आइज, नोज, चिन, लिप्स, लेग्स, फिंगर्स, आर्म्स सब कुछ ड्रॉ करता है। अब ये तो बहुत डीप चीज़ें हैं लेकिन अगर वो नेक ड्रॉ नहीं करता तो ये तो कोई कॉमन चीज़ नहीं है ना। तो डेवलपमेंटल और प्रोजेक्टिव दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग इसकी कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब हमने नेक की एग्जांपल ली है कि वो एब्सेंट है, ऐसे ही कोई और मेन पार्ट भी एब्सेंट है तो ये इंडिकेट करती है मेंटल इमेच्योरिटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स को। अब आती है कॉपिट्स की अप्रोच। कॉपिट्स ने HFD की सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड की जिसमें मेनली 5 ईयर्स टू 12 ईयर्स के बच्चे थे। उन्होंने HFD को एज अ डेवलपमेंटल और एज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट बताया। कॉपिट्स ने हैरी एस सुलिवान्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी को यूज करते हुए बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेज और इंटरपर्सनल एटीट्यूड को एक्सप्लोर किया। कॉपिट्स ने हाइपोथेसाइज्ड किया कि ह्यूमन फिगर ड्राइंग में बच्चों के डेवलपमेंटल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को फिगर आउट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कॉपिट्स अप्रोच, हम HFD के थ्रू ये मालूम कर सकते हैं कि ह्यूमन का एटीट्यूड उसकी तरफ कैसा है, दूसरों की तरफ कैसा है, उसका लाइफ स्ट्रेस, कॉपिंग, स्ट्रॉन्ग फियर्स एंड एंग्जाइटीज़ की तरफ कैसा है। कॉपिट्स ने बॉडी इमेज हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया और ये कंक्लूड किया कि HFD रिफ्लेक्ट करता है बच्चे की करंट मेंटल एबिलिटी को और उसके एटीट्यूड और कंसर्न्स कैसे हैं उनको।
बॉडी इमेज हाइपोथेसिस। बॉडी इमेज ये होता है कि इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो ये सब HFD के अप्रोचेस एंड थ्योरीज थी। द HFD टेस्ट। कॉपिट्स के अकॉर्डिंग वो चाइल्ड को कहते थे कि वो एक होल पर्सन ड्रॉ करें, बिकॉज HFD बच्चे का एक स्ट्रक्चर और स्टाइल शो करता है। स्ट्रक्चर से हमें उसकी एज और मेच्योरिटी पता चल सकती है कि वो कितना मेच्योर है, वेयर एज स्टाइल से हमें उसके एटीट्यूड्स और कंसर्न्स पता चल सकते हैं। जैसे कि गुडिनो एंड हारिस के अकॉर्डिंग यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ, लेकिन मेकओवर ने HFD को प्रोजेक्टिव टेस्ट बताया था, जहां पर आपको कोई भी रैंडमली मैन बनाना होता है। तो कॉपीट्स भी मेकओवर से एग्री करते थे कि जब हम एक पर्सन ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है रेदर देन अ सेल्फ पोर्ट्रेट्स। गुडिनो एंड हैरिस के अकॉर्डिंग हमें खुद की इमेज ड्रॉ करनी होती है, वेयर एज मेकओवर और कॉपीट्स के अकॉर्डिंग हमें एक रैंडम बंदे की इमेज ड्रॉ करनी होती है। द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ऑन दिस पीस ऑफ पेपर, आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ अ होल पर्सन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ पर्सन यू वॉन्ट टू ड्रॉ, जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ अ होल पर्सन एंड नॉट अ स्टिक फिगर ऑफ अ कार्टून फिगर। अब इन चारों की इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट कैसी थी? गुडिनो कहते थे सिंपली ड्रॉ अ मैन, एंड हारिस कहते थे ड्रॉ अ मैन, अ वुमेन एंड अ सेल्फ इमेज। वेयर इज मेकओवर के अकॉर्डिंग ड्रॉ अ पर्सन एंड अनदर पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स, और कॉपीट्स कहते थे ड्रॉ अ पर्सन। Does a drawing require from a child? A study conducted from Goldsmiths University of London in 2016. कुछ बिहेवियरल जेनेटिक्स थे लंदन की यूनिवर्सिटी से जिन्होंने रिसर्च पब्लिश की थी। उन्होंने फाइंड आउट किया था कि एक छोटा बच्चा अगर ड्राइंग बनाता है तो लेटर ऑन उनकी मैथ स्किल कैसी होती हैं। तो उन्होंने एक्सप्लोर किया कि जब बच्चे ड्राइंग करते हैं तो उससे हम उनकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस चेक कर सकते हैं और ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लेटर ऑन उस बच्चे की मैथमेटिकल अचीवमेंट और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कैसी होंगी। यानी उनके अकॉर्डिंग अर्ली ड्राइंग का लेटर मैथ्स के साथ कोई कनेक्शन था। 4 साल का बच्चा जो कि ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट अच्छे से कर लेता है, वो जब 12 साल का होगा तो वो मैथ्स टेस्ट भी बहुत अच्छे से कर लेगा। छोटे बच्चे जब ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें बहुत से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ह्यूमन फीचर्स बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ स्टिक फिगर्स ड्रॉ करते हैं। एक रिसर्च में ये चेक किया गया था कि क्या जीन्स और एनवायरनमेंट ड्राइंग को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इस रिसर्च में ट्विन्स सिबलिंग्स को लिया गया था। आफ्टर द रिसर्च ये पता चला कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स मेन रीज़न थे जो कि बच्चों की ड्राइंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ह्यूमन फिगर की ड्राइंग में और मैथ्स में कोई रिलेशन होगा, लेकिन रिसर्चर्स ने इसका ऑपोजिट फाइंड आउट किया, उनका रिलेशनशिप स्पेसिफिक नहीं आया। जेनेटिक लिंक फाइंड आउट हुआ था कि कुछ पेरेंट्स जो इंटेलिजेंट थे उनके बच्चों में भी इंटेलिजेंस आ गई थी। अकॉर्डिंग टू लेड ऑथर, जिन बच्चों के टीचर्स उनको ड्राइंग और मैथ्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे थे, उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स खुद भी मौजूद थी लाइक क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। यानी उनमें क्रिएटिविटी थी इसलिए उनकी ड्राइंग एंड आर्ट्स अच्छी थी, और उनमें मोटिवेशन थी इसीलिए उनकी मैथ्स स्किल अच्छी थी। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। सो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट एक एग्जामिनेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए थ्रू 5 फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। दीज 5 फैक्टर्स इंक्लूड फ्लूड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पार्चल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज दोनों को मेजर किया जाता है, और जो 5 कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं हर फैक्टर का एक रेट और स्कोर दिया जाता है। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट एक रिलायबल और स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि मोस्टली यूज होता है एजुकेशन में। गुडिनो ड्रॉ अ मैन टेस्ट सप्लीमेंट टू स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट विद अ नॉन वर्बल मेजर, इट एक्सेस मेच्योरिटी इन यंग पीपल। गुडिनो के अकॉर्डिंग बच्चे की ड्राइंग में जितनी डिटेल होगी वो उसको एक्सेस करने में उतना ही हेल्पफुल होगा। And Harris was simple, draw a woman and draw self too. Makeovers draw a person expanded beyond cognitive assessment, personality assessment. Whereas Coppers ने कुछ emotional indicators भी use किए, यानी अगर body का कोई part absent है तो what does it means? या कोई extra चीज़ added है या body का size कितना है, then what does it means? बक हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। इस टेस्ट में लोग कुछ हाउस और ट्रीज बनाते हैं और इसमें उनके कुछ मीनिंग्स अटैच होते हैं। बर्न्स काइनेटिक हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट को कहा जाता है कि कुछ ऐसा ड्रॉ करें जिसमें पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो।
बर्न्स एंड कॉफमैन काइनेटिक फैमिली ड्राइंग टेस्ट। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट को कहा जाता है कि एक पूरी फैमिली ड्रॉ करो जिसमें हर फैमिली मेंबर कोई ना कोई काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मदर इज कुकिंग और चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। इसी तरह से वो अपनी कोई इस तरह की स्टोरी बताता है जिससे पता चलता है कि हर फैमिली मेंबर घर में क्या पोजीशन रखता है। कॉशंस वाइल इंटरप्रेटिंग। जब भी हम कोई ड्राइंग टेस्ट भी करवा रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्लाइंट अपने बारे में और सामने वाले के बारे में क्या सोचता है। वी नीड टू नो कि पार्टिसिपेंट का सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, वो अपोजिट जेंडर वाले के बारे में क्या सोचता है, उसका लेवल ऑफ एडजस्टमेंट कैसा है, उसकी एंजाइटी कैसी है, उसका कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी कैसा है, उसकी कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज कैसे हैं, उसका इंक्वायरी फेस क्या है, ये सब हमें ड्राइंग के थ्रू पता चलता है। ड्यूरिंग अ ड्राइंग टेस्ट अ पर्सन कैन आइदर ड्रॉ एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, फेयर सेल्फ एंड ही थिंक्स ऑफ पीपल इन हिज और हर इन्वायरमेंट। यानी उसके आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अ हेल्थी ड्राइंग। फॉलोइंग फाइव फैक्टर्स मस्ट बी इन अ हेल्थी ड्राइंग। पहली क्वालिटी जो कि हेल्थी ड्राइंग में होनी चाहिए वो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम को हम हेल्थी ड्राइंग में इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं जब उसका साइज मॉडरेट हो और वो सॉलिड, ओपन और वेल बैलेंस्ड पोजीशन में हो। सेकेंड क्वालिटी इज सिक्योरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तब होगी जब फिगर ग्राउंडेड हो, पेज के सेंटर में ड्रॉ हुई हुई हो और मूवमेंट कैपेबल हो। द थर्ड क्वालिटी इज ओपननेस। ये तब होगी जब फिगर जो है दूसरे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, पोस्चर जो है वो ओपन हो और एसटीपी में हम देखेंगे कि विंडो ओपन होगी या क्लोज होगी। द फोर्थ क्वालिटी इज स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरलीनेस। ये तब होगी जब पिक्चर्स जो है कम्प्लीटली ड्रॉ होंगी, यानी हैंड्स इतने लंबे नहीं बनाए जो कि पेज से बाहर जा रहे होंगे और कोई भी इम्पॉर्टेंट डिटेल या कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी पिक्चर में से। द फिफ्थ क्वालिटी इज सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन। इसमें ये होगा कि क्लियर पता चल रहा होगा कि फिगर उन्होंने मेल की बनाई है या फीमेल की, यानी लॉन्ग हेयर्स ड्रॉ किए हैं या नहीं। इसी तरह जो फीमेल की क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें हैं या नहीं है, या मेल की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें हैं या नहीं है। फॉलोइंग कंसिडरेशंस आर रिक्वायर्ड इन ड्राइंग टेस्ट लाइक ओवरऑल मूड, जनरल मैसेज, फील ऑफ द ड्राइंग, क्लाइंट्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड बीइंग कन्वेड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज और हर बॉडी, परसेप्शन ऑफ अपोजिट सेक्स। फॉलोइंग स्पेसिफिक साइंस आर इंटरप्रिटेड इन ड्राइंग लाइक साइज, डिटेलिंग, लाइन करेक्टरिस्टिक्स, शेडिंग, डिस्टोर्शन। क्रोमेटिक ड्राइंग्स, सेक्स ऑफ फर्स्ट ड्रॉन फिगर, माउथ एंड टीथ, ब्रीड्स, न्यूडिटी और क्लोथिंग। इस टेस्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चों को मोस्टली 10 मिनट्स का टाइम कहा जाता है। वी हैव टू क्लासेस इन ड्राइंग। क्लास ए। क्लास ए इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टेज जहाँ पे हम ड्राइंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन फिगर। क्लास बी जहाँ पे हम ड्राइंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ ह्यूमन फिगर। देन उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। एचएफटी को हम एज अ ग्रुप टेस्ट भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल टेस्ट भी, लेकिन इंडिविजुअल टेस्ट ज़्यादा प्रिफेयर होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप टेस्ट, क्योंकि उसमें एग्जामिनर पार्टिसिपेंट को नोट डाउन कर सकता है। ड्यूरिंग द टेस्ट पार्टिसिपेंट को एक कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड की जाती है। A4 साइज पेपर, पेंसिल और रेजर प्रोवाइड करके इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। कॉपीज़ ने HFD में कुछ इमोशनल इंडिकेटर्स दिए थे। फर्स्ट क्वालिटी इंडिकेटर इज पुअर इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्ट फिगर से कनेक्टेड नहीं होते और अगर कनेक्ट होते भी हैं तो सिंपल एक स्टिक या लाइन से कनेक्ट होते हैं। शेडिंग ऑफ फेस, शेडिंग ऑफ बॉडी एंड लिम्स, शेडिंग ऑफ हैंड्स एंड नेक। ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स, जब एक टांग या हाथ दूसरी टांग या हाथ से साइज में डिफरेंट हो। स्लेंडिंग फिगर्स, टाइनी फिगर, बिग फिगर, ट्रांसपेरेंसीज। देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल फीचर्स। टिनी हेड, हाइट ऑफ हेड लेस देन 1:10 ऑफ टोटल फिगर। देन क्रॉस्ड आइज, जिसमें दोनों आइज या तो किसी एक साइड पे हों या सेंटर में हों। टीथ, एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर देन वन टीथ। शॉर्ट आर्म्स, शॉर्ट स्टब फॉर आर्म्स, आर्म्स नॉट लॉन्ग इनफ टू रीच वेस्ट लाइन। लॉन्ग आर्म्स, आर्म्स एक्सेसिवली लॉन्ग, आर्म्स क्लिंगिंग टू बॉडी, नो स्पेस बिटवीन बॉडी एंड आर्म्स। बिग हैंड्स, हैंड्स एज बिग और बिगर देन फेस और फिगर। हैंड्स कट ऑफ, लेग्स प्रेस्ड टुगेदर, जेनिटल्स, मोस्टर ऑफ ग्रोटेस्क्यू फिगर, थ्री और मोर फिगर्स स्पोटेनियसली ड्रॉन। ड्राइंग में ओमिशंस भी चेक की जाती है कि आइदर देयर इज नो आइज, नो नोज, नो माउथ,
नो बॉडी, नो आर्म्स, नो लेग्स, नो फीट एंड नो नेक। एंड व्हाट डज दिस ओमिशन मीन? HFT वॉज कंडक्टेड ऑन 668 पार्टिसिपेंट्स। देयर एज वर इक्वल और लेस देन 75 ईयर्स। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को कहा था कि आप एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करें, उसके बाद उसको डिटेल्स और स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स पर एवेल्युएट किया गया। रिजल्ट से ये पता चला कि जिनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग लो थी उन्होंने डिटेल और हाइट कम पोर्ट्रेट किए थे, लेकिन सेंटर्डनेस इंक्रीज हो रही थी। जिन लोगों को डिमेंशिया था वो लोग अपनी फिगर अपर लेफ्ट कॉर्नर पर बना रहे थे। दैट्स ऑल अबाउट DAP एंड HFT। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।